हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये हैरत अंगेज कहानी एक ऐसे आदमी के मुतालिक है जो खुद को सऊदी शहजादा जाहिर करता था। अपनी इस झूठी पहचान की वजह से ये बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको लूटा करता था। ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसी आदमी के मुतालिक है। दोस्तों, ये 1970 की बात है जब एंथनी गैगनक नाम का एक लड़का कोलंबिया में पैदा हुआ। बहुत कम उम्र में इसके वालदैन इस दुनिया से चले गए। वालदैन के मरने के बाद एंथनी एक यतीम खाने में परवरिश पाने लगा। ये 1977 की बात है जब इसे 7 साल की उम्र में एक अमेरिकन कपल ने गोद ले लिया। दोस्तों, ये मियां बीवी इसे कोलंबिया से अमेरिका की स्टेट मिशिगन ले आए। इस लड़के की बचपन से ही तालीम से ज्यादा इलीगल कामों में दिलचस्पी थी। एंथनी का दिमाग भी काफी तेज था, लेकिन अफसोस कि ये दिमाग ये गलत कामों में लगाना शुरू हो गया। जब इसकी उम्र 17 साल हुई तब इसने पहली दफा क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक अजीब फ्रॉड किया। दोस्तों, इसने जाली पेपर्स के जरिए खुद को सऊदी शहजादा शो कर दिया, जिसकी मदद से इसने बहुत से बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हासिल कर लिए। ये क्रेडिट कार्ड्स को यूज करता था और गायब हो जाता था। कई साल तक ये इसी तरह बैंक से फ्रॉड करता रहा। इसी दौरान ये कई दफा गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन इसने फ्रॉड करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब इसने अपने लिए एक नई पहचान बनाई। अब ये खुद को एक सऊदी शहजादा प्रिंस खालिद बिन अल सऊद जाहिर करने लगा। इस काम के लिए इसने कुछ महंगी गाड़ियां बैंक से इंस्टॉलमेंट पर हासिल कर ली। ये आलीशान होटल्स में रुकता और लोगों को अपना शाही रूप दबदबा दिखाता। ये अमीर लोगों को कहता था कि इसके तेल के कुएं और ऑयल कंपनीज हैं और वो लोग इसकी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इसी तरह इसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली थी। ये अमेरिका में मुख्तलिफ शहर बदलता रहता था और फ्रॉड की रकम को अमेरिका से बाहर बैंक्स में ट्रांसफर कर देता था। ये 2003 की बात है जब पुलिस ने इसे जाली क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इसने पुलिस को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इसने कहा कि ये क्रेडिट कार्ड इसे सऊदी शाही खानदान की तरफ से मिला है। इस मामले पर जब पुलिस ने सऊदी एम्बेसी से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इसका सऊदी शाही खानदान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस जुर्म में इसको 6 साल के लिए जेल में रहना पड़ा था। दोस्तों, इस आदमी के ऐसे अनगिनत फ्रॉड्स के वाकयात मौजूद हैं, लेकिन ये जाली सऊदी शहजादा एक दिन पकड़ा ही गया। 2015 में इसने एक जाली इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली जिससे ये लोगों से फ्रॉड करता था। एंथनी एक सऊदी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल करता था और खुद को एक अमीर सऊदी शहजादा बताता था। 2017 में इसकी मुलाकात एक अरबपति आदमी जेफरी सोफर से हुई। जेफरी इसकी फेक इन्वेस्टमेंट कंपनी में $440 मिलियन जैसी बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये इसको एक सऊदी शहजादा समझ रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब वाकये ने इसको पकड़वा दिया। दोस्तों, एक दिन जब ये दोनों एक होटल में खाना खा रहे थे तब इस अरबपति आदमी ने इस फेक सऊदी शहजादे के मुतालिक एक अजीब बात नोट की। वो ये कि एंथनी ने खाने में खिंजीर यानी पोर्क का गोश्त ऑर्डर किया था। ये बात इस अरबपति आदमी को मालूम थी कि मुसलमान खिंजीर नहीं खाते। इसने खामोशी से अपने कुछ आदमियों को इसके पीछे लगा दिया। दोस्तों, कुछ दिन के बाद इस अरबपति आदमी को इस नकली शहजादे की असल हकीकत मालूम हो गई। एंथनी की इस गलती ने इसे पकड़वा दिया था। जेफरी ने पुलिस को इस फ्रॉड आदमी के बारे में इतला कर दी। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया और इसको 18 साल कैद की सजा हो गई। एंथनी आज भी अमेरिका की एक जेल में अपनी सजा काट रहा है। एक जाली सऊदी शहजादा जो कई दिहाइयों तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।